मेरा नाम दिप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तन अनुशील ब्लॉग को। दोस्तों अभी जो पीछे ये टैंक देख रहे हो ये कोई मामूली टैंक नहीं है, और इस टैंक से जुड़े आज मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगा और इसी के साथ इंटरेस्टिंग भी होगा। तो ब्लॉग पे आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। इसके अंदर जो है वो फिश कल्टिवेशन हो रहा है और कम्प्लीटली साइंटिफिक वे में ये बायो फ्लॉक जो है वो प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस के बारे में आज एक एक्सपर्ट से भी मिलाऊंगा और वो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा कि ये एंटायर प्रोसेस किया कैसे जाता है। तो ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना। हाय एवरीवन, पहले सबको हैप्पी दिवाली। तो ये मैं आज बायो फ्लॉक के बारे में आज आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो ये एकदम मैंने पहले से आपको समझाता हूँ फर्स्ट से। तो इसके लिए एक सेटअप चाहिए होगा। तो 10,000 लीटर सेटअप के लिए आपको अराउंड कॉस्ट आएगा 50 to 53,000। तो इसमें चाहिए एक तारपुलिन चाहिए होगा, ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसमें तारपुलिन लगेगा, फिर एक एयर पंप चाहिए होगा जिससे के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन 24 आवर्स आता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि स्मॉल जगह पर इंटेंसिवली आप फिश कल्चर कर सकते हैं, और इसमें वाटर एक्सचेंज भी ज़्यादा नहीं होता तो वाटर का वेस्टेज भी कम होता है। और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें आपको सब कुछ साइंटिफिकली करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें कोई भी मतलब एंटीबायोटिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। तो ये जो फिशेज़ है तो ये सारे मतलब आप एकदम उसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फिश अभी मेरे फिशेज बड़े हो गए हैं और ये हार्वेस्टिंग का भी टाइम आ गया है। तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो ये तारपोलिन चाहिए होगा आपको ये बनाने के लिए। तारपोलिन को इसके ऐसे एक स्ट्रक्चर में सेटअप करना पड़ेगा, फिर आपको उसके अंदर पानी भरना होगा, ऐसा पानी जिसमें कि कोई केमिकल या आयरन ना हो, क्योंकि अगर आयरन होगा तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं होगा। फिर सेटअप करने के बाद आपको इसमें एरिएशन का सिस्टम लगाना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया था कि एयर पंप चाहिए होगा, और एयर पंप से एयर यहाँ पे 24 आवर्स आता रहता है। तो एरिएशन देने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए पहले करना पड़ता है वाटर प्रिपरेशन। वाटर प्रिपरेशन में आता है कि आप पानी भरने के बाद उसमें प्रोबायोटिक डाल सकते हैं, और प्रोबायोटिक डालने के बाद उसमें प्रोबायोटिक के ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे कि नमक देना पड़ता है, फिर मोलासेस जो है जैगरी वो देना पड़ता है, और उसके अंदर दूसरा कुछ भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं यूज़ होता, ये पूरा नेचुरली होता है। मछलियाँ जो खाना खाती है वो वेस्ट के तौर पे निकाल देती है, फिर वही वेस्ट को जो बैक्टीरियाज हैं वो फिर से फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वाटर क्वालिटी मेंटेन रहता है। तो आपको इसके लिए रेगुलरली कुछ पैरामीटर्स चेक करना पड़ता है, जैसे कि पीएच होता है वाटर का, टीडीएस होता है वाटर का, ये सब चेक करके अगर वो ऊपर नीचे हो तो जैसे कि पीएच को कंट्रोल करने के लिए आप चूना यूज़ कर सकते हैं। वो खाने वाला चूना यूज़ नहीं होता, वो डोलोमाइट यूज़ होता है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता और पानी में डालने से भी गर्म नहीं होता। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो एक दिन में समझाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ आपको। ये जो पानी देख रहे हैं आप उसका कलर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, तो ये इसको इसलिए ब्राउन वाटर फिश कल्चर भी बोलते हैं। तो ये ब्राउन कलर एक्चुअली ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो पानी का क्वालिटी मेंटेन करते हैं उससे बनता है ब्राउन कलर, और ये बैक्टीरिया फिर फिश जो होते हैं उसको खाते भी है, क्योंकि ये प्रोटीन सेल्स होते हैं इस बैक्टीरिया में, तो आपका जो फीड है उसका रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। तो मछलियाँ आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से मछलियाँ इसमें कर सकते हैं, इसमें एक्चुअली फ्रेश वाटर का जितने भी मछलियाँ हैं सभी किया जा सकता है, और छोटी मछलियाँ जो आपके जहाँ पे आपका ये टैंक सेटअप होगा वहाँ पे मार्केट डिमांड जिसका ज़्यादा होगा वो मछलियाँ करने से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और नया है ये कॉन्सेप्ट, और इंडिया में तो अभी हाल ही में 2-3 साल ही हुआ है, तो अभी ये एकदम गोल्डन पीरियड है स्टार्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसको क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं ये मछलियाँ, और बंगाली में उसको कोई फिश बोलते हैं। तो ये यहाँ पे डिमांड में है तो मैंने इसलिए ये किया, और उसमें आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है तो मछलियाँ का भी इफेक्ट होता है, और जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए, तो बैक्टीरिया भी मर सकते हैं, इसलिए ये सारे मतलब ये जो ऑक्सीजन का सिस्टम है वो 24 आवर्स चलना चाहिए। और अभी तो सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियाँ में ये जो बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रोसेस है, वो भी एक लेंथी प्रोसीड्योर है। तो मैं उसका थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका जो
टैंक है उसको आप अगर चारों तरफ से सराउंड कर देंगे तो जो विंटर का कोल्ड विंड है वो हवा है वो अंदर नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं करने के लिए, तो ये अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो फिर प्रैक्टिकली आपको आके देखना पड़ेगा कि आप ये कैसे किया जाता है। और तो बेसिक चीज़ इसमें जो मेन चीज़ है वो होता है प्रोबायोटिक, तो अच्छे क्वालिटी का प्रोबायोटिक चाहिए होगा। अच्छे क्वालिटी का प्रोबायोटिक डालेंगे तो ये इसका बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी होगा और जो मतलब बैक्टीरिया का क्वालिटी है वो भी अच्छा होगा, तो आपके फिश के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसमें मेन प्रॉब्लम एक चीज़ का आता है, एमोनिया का प्रॉब्लम होता है क्योंकि छोटी जगह पे यहाँ पे बहुत सारे फिश होते हैं। जैसे कि ये 10,000 लीटर का टैंक है, इसमें से आप मैक्सिमम 500 केजी का बायोमास बना सकते हैं, मतलब 500 केजी का फिश आप यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक पॉन्ड में भी 500 केजी कभी कभी नहीं होता, तो इतने छोटी जगह पे 500 केजी करने के लिए तो कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो फिश जो वेस्ट निकालता है अपने बॉडी से एक्सक्रीशन करता है तो उसको वो फिर से रिसाइकल कर देता है, जो एमोनिया लेवल है उसको बढ़ने नहीं देता। क्योंकि अगर आपके टैंक में एमोनिया 2 PPM से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ये फिश के लिए फैटल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना हो कि एमोनिया कम से कम हो, 0 हो तो बेस्ट है लेकिन 0.25 तक ठीक है, 0.25 के ऊपर वो रिस्की है, फिश को डिजीज़ हो सकता है, फिश की डेथ हो सकता है। तो एमोनिया को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें मोलासेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उसका मेन फूड होता है कि वो एमोनिया और मोलासेस में जो कार्बन होता है कार्बन सोर्स उसको मिला के वो अपना खाना बनाता है। तो अगर सिर्फ आप बैक्टीरिया डाल के रखेंगे तो नहीं होगा, उसके अंदर मोलासेस भी डालना होगा ताकि वो बैक्टीरिया जो है अपना फूड बना सके और वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि पीएच, तो पीएच का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। पीएच स्टार्टिंग में अगर आप कंट्रोल कर लेंगे उसको 7-8 के अंदर रखेंगे तो ये पूरा कल्चर तक आपका मेंटेन हो जाएगा। वीकली आप एक बार पीएच को मेजर कर सकते हैं, पीएच मेजरिंग का डिजिटल मीटर भी आता है या फिर आप पीएच मेजरिंग किट भी खरीद सकते हैं। तो ये मेज़र करके आप अगर आपका पीएच ज़्यादा या कम हो गया तो उसके अनुसार आप इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। जैसे कि अगर पीएच कम हो गया तो आपको मैंने पहले ही बताया दिया था कि डोलोमाइट डालना होता है, तो उसका भी एक मेज़रमेंट है कितने पीएच के लिए कितना डोलोमाइट डालना पड़ता है। तो ये डिटेल में जानने के लिए आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, ऐसे बता के तो ये समझा नहीं जा सकता। और उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने इसमें खाना कितना देते हैं फिश को, तो उसका भी परसेंटेज है। आपका फिश अगर बहुत छोटा है तो उसको 4-5% खाना देना पड़ता है अपने बॉडी वेट का। तो बॉडी वेट कैसे पता लगा सकते हैं आप, ये भी एक सिस्टम है। आप इसमें से 50 या अराउंड 100 फिश पकड़ लीजिए कि नेट के मदद से पकड़ के उसका टोटल वेट निकाल के उसको एवरेज कर दीजिए, तो आपका पर फिश का ग्राम में कितना आता है उसके हिसाब से आपने कितना फिश डाला है उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल वेट निकाल सकते हैं। और उस टोटल वेट के अनुसार उसका उस टोटल वेट का 4-5% आप खाना दे सकते हैं। और खाने का भी उसमें जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें प्रोटीन परसेंटेज होता है, तो छोटे फिशेस के लिए ज़्यादा प्रोटीन का खाना चाहिए और बड़े जब आपका फिश मैच्योर हो जाएगा तो उसका प्रोटीन कंटेंट आप जो कम होगा वही वाला खाना यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा इतना एमोनिया का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो बायोफ्लॉक में बेसिकली लो प्रोटीन कंटेंट का खाना यूज़ होता है। तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड है खाने का, जैसे कि ग्रोवेल है, एबिस है, नरिश का भी खाना यूज़ कर सकते हैं जो कि एक बांग्लादेश से आता है। तो ये सारे फिश के मतलब खाने के ब्रांड है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और तो ऐसे इसमें ज़्यादा मेहनत वाली कुछ बात नहीं है, अगर आप एक बार सेटअप कर लेंगे आपके पैरामीटर्स कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर आपको डेली हार्डली 40 या 50 मिनट्स इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। 3 times खाना देना है अगर छोटा फिश है तो, और बड़ा हो गया तो उसको 2 times सुबह या शाम को खाना देना है। तो फिर मैं अभी आपको इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो ये अराउंडली अगर 10,000 लीटर आप करेंगे तो उसमें बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो एक तारपोलिन होता है, एयर पंप होता है और वाटर टेस्टिंग का जो किट होता है वो चाहिए होगा। और ये सेटअप वगैरह जो हार्डन वगैरह लगता है, सीमेंट ईट वगैरह ब्रिक वगैरह जो लगता है, तो इसका अराउंड 10,000 लीटर के लिए आपका कॉस्टिंग आएगा 50-53,000। और ये इन्वेस्टमेंट जो है 50-53,000 ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको एक बार सेटअप कर लेंगे तो 5-6 साल आपका ये सेटअप आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में आपका जो कॉस्टिंग आएगा वो सिर्फ खाने का और मछली का जो फिश फ्राइज है या फिर आप वो चारा बोल सकते हैं उसको डालने का जितना कॉस्टिंग आता है वो आएगा, तो वो ज़्यादा नहीं होगा। 10,000 लीटर के लिए आपको अराउंड 20-25,000
फिश और फीट का लगेगा दोनों मिला के। तो आप समझ लीजिए कि 53,000 का ये हो गया और 20,000 का फिश और फीड, मतलब 70,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको 3 महीने में रिटर्न मिल जाएगा। 3 महीने के बाद आपका फ़िश हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा, तो आप इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे अराउंड 350 kg अभी प्रोडक्ट है, तो मार्केट प्राइस 400 करके है। तो ये मतलब होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस अगर 400 करके भी आप देख लेते हैं तो 120,000 इसका अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। मैं अगर 300 kg भी मान के चलूँ तो भी, तो 120,000 आपका फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब 3 महीने में आ जाता है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आके आपका मतलब वो पूरा होके भी आपका 50,000 अराउंड उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो आप जब सेकंड टाइम करेंगे तो आपका तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 53,000 नहीं चाहिए होगा, आपका खर्चा आएगा अराउंड 30,000 मैक्सिमम। तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि 30,000 आप खर्चा कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद आपको फिर 1.2 lakhs उसका रिटर्न मिल रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, इसीलिए इतना फास्ट ग्रो कर रहा है अभी। बांग्लादेश में तो बहुत सारे हो गए अभी, तो इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, यह बहुत ही अभी पॉपुलर हो रहा है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसके लिए इतना मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होता, उसको टाइम देने की भी इतना ज़रूरत नहीं होता। आप इसको एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं अगर आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मैं ऑफिस में 9 to 5 जॉब करता हूँ, तो उसके बाद भी मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो इसके लिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा, हार्डली डेली 30 to 40 minutes आपको चाहिए उसके पीछे टाइम। और जो हार्वेस्टिंग के वक्त आप थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आप उसको पकड़ेंगे मछली को फिर लेके जाएंगे मार्केट में सेल करेंगे। तो ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरे ख्याल से। तो ये मैं आपको इसका जो मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ है इससे मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ से अभी तक 20 kg मछली पहली बार हार्वेस्ट किया है, उसको पार्शियल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो 20 kg मुझे 400 rupees करके मिला, 8,000 rupees, और इसमें और भी 300 kg के अराउंड मछलियाँ होगा, तो उसका भी अगर 400 करके मिलता है तो 120,000 तो आ ही जाएगा इससे। और ये नहीं है कि ये सेटअप एक ही बार काम आएगा, इस सेटअप में आप 5 साल 6 साल आराम से कर सकते हैं, और उसके बाद आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है जो है वो नहीं चाहिए होगा, सिर्फ मछलियों का जो कॉस्ट है और खाने का जो कॉस्ट है उसका वो ही आएगा आपका। तो आपका तो प्रॉफिट आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये कोई भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है कि आपको बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस है, समझने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसकी फुल प्रोसेस को 2 दिन में आराम से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, कोई भी आदमी इसको कर सकता है, जो आप कभी भी स्कूल भी नहीं गया ऐसा आदमी भी उसको आराम से कर सकता है, उसको इसमें ऐसे ही कोई मतलब हार्ड चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक बार आप देखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, और जैसे आप करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाएगा। और एक क्वेश्चन लोग मुझे हमेशा करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ़िश हम कर सकते हैं, तो इसमें एक्चुअली जो फ्रेश वाटर का जितने भी फ़िश है वो सारी तरह के फ़िश आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लाइंबिंग पार्क जो होता है वियतनामी कोई वो किया है, क्योंकि ये जो कोई फ़िश है वो फर्स्ट टाइम जो करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, या फिर तेलापिया भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका हार्ड लाइफ होता है, वो आसानी से मरता नहीं है वो मछली। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी चला भी जाता है 2-3 घंटा लोड शेडिंग भी हो जाता है, एरिएशन बंद भी होता है, तब भी ये मछली आराम से निकाल देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप वियतनामीज कोई या फिर तेलापिया जो है वो दे के स्टार्ट करें, तो बाद में आप कोई भी मछली इसमें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गाइज आज का ये जो ब्लॉग है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों तक पहुंचाना था, और ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम का चीज़ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।